नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आइए गाइज, इस सेशन में आपके ही ख्वाहिश पर, आपके ही फरमाइश पर हम लोग ये थोड़ा सा छोटा सा सेशन करने जा रहे हैं। कि इस सेशन के अंदर हम लोग बात करेंगे कि क्योंकि अभी NTPC का एग्ज़ाम फ़िलहाल कुछ आसार नज़र आ नहीं रहे होने के, और कब होगा इसकी भी थोड़ा सा अभी कुछ पता नहीं चल रहा है। नवंबर में तो नहीं होगा, ये जाहिर मतलब ये फैक्ट है, और दिसंबर के लास्ट में मे भी थोड़ा सा चांस है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसमें भी होगा, या इस साल होने के कम ही चांस है। तो अब उन वो स्टूडेंट जो अब तक तैयारी करते हुए आ रहे थे, वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं हिम्मत हार जाते हैं या हौसला टूट जाता है, जज्बा थोड़ा थोड़ा ख़त्म होने लगता है कि यार पता नहीं होगा कि नहीं होगा, कब होगा, और थोड़ा सा समझ सकते हैं कि फ्रस्ट्रेशन की वजह से, एग्ज़ाम नहीं होने की वजह से, डेट नहीं पता होने की वजह से हम लोग अपने रास्ते से भटकने लगते हैं। तो बस इस हम लोग क्या करना है, पूरे वीडियो के लास्ट तक आप ज़रूर देखें कि अब भटकने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल वे में हम लोग को एक प्लान करना है। कब तक के लिए प्लान करना है? जब तक एडमिट कार्ड रिलीज़ ना हो जाए। एडमिट कार्ड रिलीज़ होने के बाद हम लोग प्लान चेंज करेंगे। तब तक क्या करना है, वो स्टूडेंट जो अब तक तैयारी करते हुए आ रहे हैं ये उनके लिए है, जो नहीं करते आ रहे हैं तो उनके हम लोग बाद में बात करेंगे। जो करते हुए आ रहे हैं उन्हें कुछ नहीं करना है, बस जैसा फोकस करते हुए आ रहे थे उनका थ्योरी सेट ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो चुका होगा, कुछ नहीं करना है। जो टेस्ट आपने, जो भी आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया हुआ, उनको टेस्ट को करना है। लास्ट ईयर के प्रीवियस के जितने भी क्वेश्चन हैं, मैथमेटिक्स के हो, चाहे वो रीजनिंग के हो, चाहे वो सामान्य ज्ञान वगैरह के हो, साइंस वगैरह के हो, सबको करने हैं जितने भी। और ना सिर्फ रेलवे के करने हैं, आपको SSC CGL के भी करने हैं, और इसके अलावा आपको ALP का भी करना है, JEE में जो पूछा था उसको भी करना है। सारे ही अवेलेबल है, हमारे चैनल पे भी है, और आप इंटरनेट वगैरह पे भी सर्च से निकाल सकते हो वो सारी चीज़ें। आपको बस वही करना है, दिन में एक टेस्ट जरूर लगाना है, और वहाँ पर जहाँ पर भी आपको डाउट्स वगैरह हो रहे, जो क्वेश्चन नहीं बन रहे उनको नोट करके उस पर काम करना है बस, और कुछ नहीं करना है। इसके अलावा आपको कुछ और नहीं करना है, ज़्यादा सोचना भी नहीं है क्या होगा नहीं होगा, वो छोड़ दो सामने वालों पर, रेलवे के अधिकारियों पर छोड़ दो, रेलवे पर छोड़ दो। आपको बस इतना ही फोकस करना है। ये कब तक करना है? जब तक कि आपका एडमिट कार्ड रिलीज ना हो जाए। अब बस हार नहीं सकते, अब आप पीछे नहीं हो सकते, क्योंकि अगर आप पीछे हो गए ना तो फिर आप फिर पीछे रह जाओगे। तो इसलिए मोटिवेशन की ज़रूरत है, खुद से बात करने की ज़रूरत है। ओलंपिक विनर से पूछा गया था, कुश्ती में गोल्ड मेडल जीता, तो उसने कहा कि आपको मोटिवेशन किससे मिलती है? तो उसने कहा कि यार जब मैं थक हार कर प्रैक्टिस करके जब मैं आराम करने लगता हूँ ना, तो मैं सोचता हूँ कि यार मेरे जो कंपिटिटर होगा ना वो इस वक्त क्या कर रहा होगा। तो जब मुझे लगता है कि मेरे कंपिटिटर इस वक्त वो भी थक हार कर आराम कर रहा होगा, तो मैं सोचता हूँ कि यार ये मौका अच्छा है कि उससे आगे निकलने का। बस अब मैं उठता हूँ और फिर मैं प्रैक्टिस में लग जाता था। और दूसरा, मैं जब ये सोचता था कि मेरे उस कंपटीटर क्या कर रहा होगा, जब मेरे दिल में ये ख्याल आता था कि वो भी इस वक्त प्रैक्टिस कर रहा होगा, तो मैं सोचता था यार अगर मैं आराम किया तो मेरे जो कंपटीटर वो मुझसे आगे निकल जाएंगे। तो बस ये दो मोटिवेशन आपको काफ़ी होगा, दो चीज़ें। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग अलग अलग अंदाज़ होता है, अलग अलग चीज़ें होती मोटिवेशन लेने की। तो बस आपको भी अगर यही सोचना होगा कि आपके कंपटीटर इस वक्त क्या कर रहा होगा, क्योंकि कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा है। अभी JEE का जिसमें जिसका सिलेक्शन नहीं है, वो भी आप NTPC के पीछे लगे हुए हैं। तो इसलिए ये आसान नहीं है, ये मौका है आपको आगे निकलने का, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जिन लोगों का अभी तक तैयारी नहीं हुआ है, वो अभी टाइम है, एक डेढ़ से डेढ़ महीना, दो महीना मिल जाएंगे उनको, वो एक बार फिर से नए तरीके से, नए रूटीन बनाकर, नए शेड्यूल तैयार करके आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं। चलो उसके बाद देखते हैं कि GEE के अंदर कैसे करना है। GEE के अंदर बहुत एक लंबा पोर्शन है, बहुत सारा सब्जेक्ट है इसके अंदर। इसके अंदर आपको पॉलिटी भी पढ़ना है, इसके अंदर आपको हिस्ट्री भी पढ़ना है, इसके अंदर आपको ज्योग्राफी भी पढ़ना है, इसके अंदर करंट अफेयर भी पढ़ना है, इसके अंदर आपको इकोनॉमिक्स भी पढ़ना है, इसके अंदर साइंस में, एक साइंस अपने आप में एक लंबा पोर्शन है, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, सारी चीज़ पढ़ना है। अब पढ़ना क्या, GEE को रहने देते हैं अभी फिलहाल। इसके बाद मैथमेटिक्स की बात करते हैं। मैथमेटिक्स में क्या करना, मैथमेटिक्स सबका ही ठीक ठाक होता है। अब बस जिनका थ्योरी कंप्लीट हो चुका है, अब उनको कुछ नहीं करना है, जितना ज़्यादा क्वेश्चन मैथमेटिक्स में जितना ज़्यादा क्वेश्चन हो सके उतना ही करना है। प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन करना है, रेलवे के सारे क्वेश्चन करना है, SSC CGL के सारे क्वेश्चन करना है। मैं कहता हूँ SSC के सारे क्वेश्चन जरूर एक बार प्रीवियस ईयर के करें, उससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा एग्ज़ाम में, ठीक है। ये एक डेली एक सीरीज, आप डेली एक टेस्ट आपको करना ही करना है। उसके अलावा रीजनिंग क्या करना है, रीजनिंग में भी वही है, प्रैक्टिस है। आपको जितनी ज़्यादा चीज़ें प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा चीज़ें याद होंगी, उतना ज़्यादा परफेक्ट होगा आपको एग्ज़ाम में, जो गलतियाँ हैं वो करने के चांसेज होंगे। सबसे बड़ा पोर्शन है GEE का। GEE का कैसे करना है, GEE में देखो सबसे पहली बात है, साइंस जिनके अच्छे हैं
अच्छी बात है जिनके, उसके अलावा आप, क्योंकि प्रॉब्लम्स जो आ रही है ना बेसिकली इकोनॉमिक्स के अंदर आ रहा है, वो हिस्ट्री के अंदर आ रहा है, वो सारी चीज़ें, तो वो अभी भी टाइम है जिनको लगता है वो 2 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे देकर अपना एक तैयार करो कि यार मुझे 2 घंटे के अंदर ना बस यही पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है ये और इकोनॉमिक्स पढ़ना है या यही करना है। और इसके अंदर भी नहीं, अभी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शुरू से हिस्ट्री उठा के बैठ जाओ, पहले एंशियंट हिस्ट्री पढ़ लो, फिर मेडिवल पढ़ लो, फिर आपका मॉडर्न पढ़ लो, इस तरह करोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। आपको क्या करना है कि जीए के अंदर, देखो ये मेरा तरीका, हो सकता है आपका तरीका अलग अलग हो, मेरा मानना होता है कि अगर आपका सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट नहीं है तो हम ये देखते हैं कि एग्जाम में किस पोर्शन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के बेस पर हम लोग एनालिसिस करते हैं। तो आप ये देखो कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या क्या है, जैसे कि हिस्ट्री की बात करते हैं तो हिस्ट्री में मेडिवल इंडिया ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मेडिवल इंडिया ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है उसके अंदर, क्या इंपॉर्टेंट क्या आता है उसके अंदर, आपका मुगल वाला जो शासन है वो वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस तरह से इंपॉर्टेंट चीज़ें देखकर हमें हिस्ट्री से, इकोनॉमिक्स से और आपका क्या बोलते हैं पॉलिटिक्स से, इस तरह से हम पोर्शन बाय पोर्शन पहले मेडिवल को कंप्लीट किए, चलो इंपॉर्टेंट हमने कंप्लीट किया, अब दूसरा इकोनॉमिक्स के अंदर आते हैं, इसी तरह उसके अंदर आते हैं। मैं ये बता दूंगा, अगर आप लोगों की ख्वाहिश होगी तो मैं ये बता दूंगा कि इकोनॉमिक्स के अंदर कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और हिस्ट्री के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। सिर्फ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट देखना, आपको सारा नहीं देखना है। ये तब की मैं बात कर रहा हूँ जब आपका मैथमेटिक्स कंप्लीट हो चुका है, रीजनिंग कंप्लीट हो चुका है, साइंस कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद मैं बात कर रहा हूँ। अब समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग क्या क्या पढ़ें, क्योंकि बहुत उलझ जाते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि मैं क्लास लेता हूँ, अनअकैडमी भी लेता हूँ, तो बहुत सारे लोगों का ये सवाल आता है कि इसमें से, इस पोर्शन में से क्या करें। तो उम्मीद है मैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा ज़्यादा अगर मैं डिटेल्स बताऊँगा, तो जिनको अगर लगता है कि बता दिया तो मैं एक वीडियो बनाऊँगा और उसके अंदर बात करेंगे हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक की, सिर्फ जीए के इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अगर आप लोगों की डिमांड होगा तो मैथमेटिक्स के बारे में बता सकते हैं और रीजनिंग के बारे में बात कर लेंगे अगर आप लोगों की ख्वाहिश होगी तो। तो मिलते हैं गाइस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और एक और हाँ, हौसला नहीं हारना है, बस अब इतना बर्दाश्त किया तो 1-1.5 महीना और कर लो और हो सकता है कि हमें बहुत अच्छा फल मिले, समझते ना, सब्र का फल मीठा होता है, तो बस हौसला मंद ही पाते हैं निशानी मंजिल, तो डरने वालों को तो सिर्फ मरने पर नजर रहती है, तो इसलिए डरना नहीं है। और आपके अपना कंप्यूटर लगे हुए हैं तो आपको भी लग जाना चाहिए, आपके पास ये टाइम नहीं है कि आप टाइम को वेस्ट करो। थैंक यू एंड लव यू गाइज, जय हिंद।